नए पथ पर सफर का नाम है युवा जागृति संस्थान। ये महिलाएं इसी प्रकार सतत तरीके से प्रयास करके और आगे अपने आप को आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। अगर हम बात करें नाबार्ड के एलईडीपी प्रशिक्षण की, तो उस प्रशिक्षण के दौरान अब तक 60 महिलाओं ने ये प्रशिक्षण पा लिया है और आज भी हम एक बैच का शुभारंभ कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर, सतत इसी प्रकार से मातृशक्ति अगर ऐसे ही जुड़कर प्रयास करती रही तो निश्चित रूप से ये आत्मनिर्भर बनेंगी। अगर हम पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में भी बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिससे आप अपना करके अच्छी इनकम कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें अलग तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जैसे हम परंपरागत तौर से पशुपालन करते आ रहे हैं उससे हमारा काम नहीं हो सकता है। परंपरागत तरीके का मतलब मेरा ये हुआ कि जिस तरह से मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर किसान भाई या जो भी पशुपालक हैं वो गाय भैंस को पालते हैं और सीधे तौर पर उसका जो प्रोडक्ट है मिल्क दूध से ही उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको दूध के कुछ ज़्यादा अच्छे रेट्स नहीं मिलते और उसके आधार पर अगर आप उसका पूरा आर्थिक विश्लेषण करेंगे तो आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। बहुत सारे किसानों से मैं बात करता हूँ, वो हमेशा ही बोलते हैं साहब अगर हम हिसाब रखना स्टार्ट कर देंगे तो शायद हम काम नहीं कर पाएंगे। ये कहना उनका सच भी है। तो इसमें यहाँ पर थोड़ा सा हमें बदलाव करने की आवश्यकता है। एक तो यदि आप कर सकते हैं तो एक प्रोसेसिंग के बारे में, जो प्रसंस्करण होता है उसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता होती है। कोई भी डायरेक्ट अगर आप मिल्क बेचते हैं तो उसकी ज्यादा अच्छे रेट्स नहीं मिलते, वहीं पर अगर थोड़ा सा आप उसमें वैल्यू एडिशन कर दें, चाहे उसको दही में कन्वर्ट कर लें या उसे मावा में बदल दें या उसे घी के फॉर्म में बदल दें, तो उसके जो रेट्स हैं आपको दूध की तुलना में बहुत अच्छे मिलते हैं। ये कार्य स्वयं सहायता समूह या कोई भी हम ग्रुप के माध्यम से अगर करें तो आसान होता है। कोई भी एक किसान या एक महिला यदि सिर्फ कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहें तो शायद उसके लिए मुश्किल होता है। अभी सर आपको आगे बताएंगे कि इन यूनिट्स को लगाने के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या नाबार्ड आपको सब्सिडी उपलब्ध करवाता है और किस तरह से आप उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरी एक चीज आती है कि गांव में आजकल मैं देख रहा हूं कि अंडे और मांस की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी मार्केटिंग में कोई खास समस्या नहीं आती है। यदि कोई भी ग्रुप है और जितने भी उसके मेंबर्स हैं, एक मेंबर के हिसाब से यदि 40 बच्चों को पालें, मुर्गी के चूचों को देसी नस्ल के, तो आप ये समझ सकते हैं यदि 40 मुर्गियां जब अंडे देना स्टार्ट करती हैं तो पर डे की जो आपकी इनकम है वो लगभग 3,000 से 3,500 रुपए है। देसी नस्ल के जो मुर्गी के अंडे होते हैं उसकी रेट्स आपको अच्छे मिलते हैं और साथ ही साथ उसकी मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं आती है। अभी सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं, एक देसी नस्ल के अंडे की कीमत 50 रुपए 60 रुपए 40 रुपए है। यदि हम उसका एवरेज मूल्य निकालें तो 35 से 40 रुपए लगभग एक अंडे की कीमत पड़ती है। मेरे एसएसजी का नाम है जय माता दी। मेरे एसएसजी में 10 मेंबर्स हैं। हम 200-200 रुपए फर्स्ट में इकट्ठा करने लगे थे, बचत करने लगे थे। तो मेरे एसएसजी की महिलाएं पहले कुछ ऐसा कुछ करती नहीं थी, आज आप सब महिलाएं भी ये काम कर सकती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कठिन नहीं है। क्योंकि अपन गाय का गोबर तो अपन को आराम से मिल सकता है, अपन खुद भी पाल सकते हैं गाय, तो अब अपना नाम बना सकते हैं, अपनी कैसे पहचान बना सकते हैं, तो इन चीज़ों से हम अपनी पहचान भी बना सकते हैं। हम 10 महिला हैं, हम 200 की बचत करते हैं, उस बचत को हम अपने ही पास रख कर किसी को दूसरे के लिए कह सकते कि हम दूसरों के लिए बचत करते हैं, तो उनको लिए आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, खुद अपनी बचत को ही अपना घर का खर्चा चला सकते हैं बच्चों की। और मैं एपीओ में डायरेक्ट भी हूँ, जो जिसमें एपीओ में 500 महिला जुड़कर एक एपीओ कंपनी बनाई है। कंपनी बनाकर सर उसमें हमको सरसों और मंडी का लाइसेंस भी हुआ है। इससे मैं ये महिला को ये भी कहना चाहती हूँ कि अपनी भी महिलाओं को जुड़कर एपीओ में जो अपना रोजगार मिल सके, और जो दीपक गाय के गोबर से जो दीपक बना रही है महिला, अपना घर वही बना सकती है, जो अपने घर 10 या 11 बजे तक अपना काम खत्म हो जाता है, फिर दो तीन
अपना रोजगार भी मिल सकता है और अपनी महिलाओं को बैठे हुए किसी काम को नहीं कर सकती है। धन्यवाद। हुसूर से रहने वाली हूँ। हमारे चार समूह बनाए थे, चार ही सो रहे थे। पहला का है विकास, दूसरे का संतोष और तीसरे का शांति और चौथे का है गीता। इस कंपनी की लाइन कंपनी है। धन्यवाद। आज मेरे SHG को हमने 500-500 की बचत से अपना SHG शुरू किया था। आज हमारे पास 7 लाख के करीब हमारे पैसे इकट्ठे हो चुके हैं और हमने उन पैसों को आपस में बांटा और हमें लोन भी मिला। नाबार्ड भारत का कृषि और ग्रामीण विकास का सर्वोच्च बैंक है। सबसे बड़ा बैंक जैसे कि RBI होता है जो पैसे छापता है, RBI की तरह नाबार्ड है जो ग्रामीण स्तर पे जितने भी बैंक कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे ग्रामीण बैंक हो, इसकी एक कंट्रोलिंग बॉडी है। मतलब इस पर कंट्रोल करता है, इनका इंस्पेक्शन करता है और ये ध्यान रखता है कि ग्रामीण स्तर पे पैसों की कभी समस्या ना हो तो बैंक को पैसे देता है। ठीक है, बैंकों को या फिर राज्य सरकार को, तो ग्रामीण स्तर पे जैसे रोड बनती हैं, स्कूल बनती है, अस्पताल बनते हैं, तो ग्रामीण स्तर पे जो भी काम होता है उसके लिए नाबार्ड राज्य सरकार को ऋण भी हर साल देता है। तो राज्य सरकार और ग्रामीण, ऐसा समझिए कि आप ग्रामीण स्तर पे जो भी काम हो रहा है उसमें नाबार्ड का सबसे अधिक योगदान रहता है हमेशा। आप ऐसे बोलिए, मैं ना स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ, सबको पता चलना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है? जरूरत नहीं है। तो आप सभी महिलाओं क्या बोलना चाहती हैं, संदेश देना चाहती हैं? दीजिए उनको, दीजिए उस सर, देखिए उनको संदेश दीजिए सबको। अरे आराम से खड़े होइए, कोई दिक्कत नहीं है। संदेश दीजिए सब महिलाओं को। तो आपके यहाँ से दो हमारी बहनों ने बोला था, कौन कौन थी वो जानते हो? उनको जानते हो क्या, कोई कौन था क्या यहाँ में, यहाँ उपस्थित जो भी थे उनमें कोई था क्या? कौन था? इसमें भी शर्मा रहे हो आप। तो ऐसे मौके मिलते हैं, इनका फायदा यही होता है कि आप अपने आप को सामने वाले को बता सको कि मैं कौन हूँ। जिंदगी भर आदमी अपनी पहचान ढूंढने के लिए निकालता है या नहीं? आप क्यों चाहते हो कि आप गुमनाम बन के रह जाओ? ठीक है, मैं कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करेंगे, शायद आप मोटिवेट हो, है ना? तब तक आप सोचते रहना मुझे क्या बोलना है। ठीक है, आज से लगभग 30 साल पहले नाबार्ड ने इसकी शुरुआत कर्नाटका राज्य में एक NGO के साथ मिलकर की थी। मतलब NGO को एक प्रोजेक्ट दिया था, मायराडा अपने नाम की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत 500 SHG से हुई थी सन 1992 में और आज लगभग कितने समूह होंगे? तो 1 करोड़ लगभग स्वयं सहायता समूह भारत में है और दुनिया का सबसे बड़ा ये महिला को उत्थान करने का प्रोग्राम है। बैंक को कैसे जोड़ा जाए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं से, उसका सबसे बड़ा प्रोग्राम SHG का है, दुनिया का सबसे बड़ा। मार्केटिंग नॉलेज के हिसाब से देखिए तो जल्दी से सेल नहीं हो पाएंगे आपके, नॉर्मल हो गया। इफेक्टिव और नज़र में एक तुमसे दिखाई तब देखा, इसमें थोड़ा सा कलर्ड होगा।
मार्केटिंग नॉलेज में देखें तो हल्का सा ये दूर से देखने पे ही एक आदमी को दिखाई देगा कि अच्छा लगेगा देखने से, इसी वजह से थोड़ा सा कलर दिखा है हमने। कलर हमने ये वाले इसलिए यूज़ किए हैं, नॉर्मल यूज़ नहीं किए वाटर वाले, वाटर वाले कलर इसमें मिक्सअप हो जाते हैं, ये आपके कलर मिक्सअप नहीं होंगे इसके साथ, ये अलग से कलर उभर कर आएगा। लगभग 30 साल पहले सन 1992 से एसएचजी बनाने की शुरुआत भारत ने की थी और निरंतर ये काम करते आ रहे हैं। तो उन एसएचजीज को आज की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थी उस क्रम में हम लोग नाबार्ड की तरफ से बैंकों को, एनजीओस को और स्वयं सहायता समूह के लीडर्स के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हर साल करवाते हैं। तो उसी तरह आज का जो दिन था, आज की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, वो नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह के जो लीडर्स हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, इनके लिए अरेंजमेंट कराया था, जिसमें उनको स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई सारी गतिविधियाँ, इसकी क्या जरूरत थी, कैसे शुरुआत हुई और क्या क्या अपेक्षाएं एसएचजीज को हैं, क्या क्या अपेक्षाएं नाबार्ड को हैं इनसे, और आने वाली समस्याएं जो हैं, चाहे क्रेडिट लिंकेज की हो, चाहे मार्केटिंग की हो, उसका समाधान कैसे किया जाए, उसके लिए बताया गया। और साथ ही साथ एसएचजीज आपस में मिलकर फेडरेट होकर बड़ा बड़ा रूप देखिए, आजकल एफपीओ का जो कंसेप्ट आया है, जो किसानों की कंपनी बनाने की भारत सरकार ने शुरुआत की है और नाबार्ड भी ये काम कर रहा है, तो उनको प्रेरित किया, क्योंकि एक कंपनी यहाँ पे पहले से काम कर रही है जो नाबार्ड ने सन 2019 में सेंक्शन की थी, तो उसी कंपनी से अधिक हमारी बहनें जुड़े और एफपीओ में कंपनी के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, कैसे उनसे फ़ायदा कमाना है और कैसे निरंतरता आय में हो सके, ये बात सिखाने की कोशिश की गई थी। ये जो महिलाएँ हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, यहाँ पे लगभग 300 से अधिक ग्रुप काम कर रहे हैं बांसुर में, और ये सभी ग्रुप अभी एक कंपनी का रूप दे चुके हैं और जहाँ पे बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इनकी एक शॉप भी है, किसान सेवा केंद्र भी है जो काम कर रहे हैं इसमें। अभी रिसेंटली इन्होंने एक नया कंसेप्ट स्टार्ट किया है युवा जागृति संस्थान ने, नाबार्ड के माध्यम से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इनको मिली है गोधन पे, जिसमें काउडन के वेस्ट को कैसे हम अधिक से अधिक इस्तेमाल करके अलग अलग त्यौहार में इसके प्रोडक्ट बना के बेच सकें, जिससे महिलाओं को आजीविका मिले रेगुलर तौर पे। इसमें बहुत सारे तरह के दिए बने हैं, कलर्ड हैं, उनको अलग तरीके से रंगीन सजाया गया है, और इसको अधिक से अधिक मात्रा में हम कैसे बेच सकते हैं और सभी बांसुर क्षेत्र के अलावा भी अलवर में, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में कहीं अधिक से अधिक इन दियों का प्रचार हो सके और सबसे ज़रूरी महिलाओं को आजीविका साधन निरंतर मिल सके। ये एक प्रोजेक्ट था, जैसे कि मैंने बताया कि एफपीओ बहुत सारी गतिविधियाँ कर रहे हैं, तो जो काउ डंग है और काउ इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये एक शुरुआत रिसेंटली की गई है जिसका मैंने जिक्र किया है। और ये रिसेंटली मैंने इस पर हम जोर क्यों दे रहे हैं इस पर, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, जो त्यौहार है जिसमें अधिकांश ये हमने देखा गया है कि कई बार हम समझते हैं, सुनते भी हैं कि प्रदूषण का कारण बन रहा है, तो उस प्रदूषण कारण ना बन के जो गाय के जो प्रोडक्ट हैं, जिसको हम गाय माता भी बोलते हैं, तो हम त्यौहार पर उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अधिक से अधिक इको फ्रेंडली तरीके से त्यौहार मना सके, वो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ हमारे महिलाओं को आजीविका साधन तो मिलेगा ही।